अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम परमानंदम सद्गुरुम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार अधिष्ठान है, उनकी कृपा से आज उनकी वाणी का गीता का 15वें अध्याय का 16वां श्लोक ले रहे हैं। 16 वर्स। द्वाविधो पुरुषो लोके चरक्षाक्षरये वच चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षरच अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, लोके इस शरीर में क्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी, एव यानी भी, इमो यानी ये, द्व यानी दो प्रकार के, पुरुषो यानी पुरुष हैं। इसमें दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो सर्वाणी यानी संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो भूतानी यानी भूत प्राणियों के शरीर तो क्षर यानी नाशवान है, और च यानी और कूटस्थ यानी जीवात्मा अक्षर यानी अविनाशी उच्चते कहा गया है। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। एक तो नाशवान है जो संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो शब्द से व्यक्त नहीं किए जा सकते,
जो वाणी से कहे नहीं जा सकते, परा पश्यन्ति मध्यमा अव्यक्री। ये वाणियां इसके योग्यता नहीं रहती जिनके बारे में जानने और बोलने की। इंद्रियों से जो गम्य नहीं है, इंद्रियों से जो जाने और समझे नहीं जा सकते, मस्तिष्क जिन्हें जान नहीं सकता, बुद्धि जिसको पहचान नहीं सकती, मन जिसके स्वरूप में ठहर नहीं सकता, मन की वहां कोई औकात नहीं, जैसे अंधेरे की कोई औकात नहीं प्रकाश के सामने, ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये जो आत्म ज्ञान है, इस आत्मज्ञान के मार्ग में जब हम चलते हैं और जब हम साक्षी के द्वारा अंतर यात्रा करते हैं, अंदर झांकते हैं, अंदर देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर दो प्रकार की मौजूदगियां हैं, दो प्रकार की प्रेजेंस हैं। एक तो वो जिसके बारे में भगवान ने गीता के सातवें अध्याय के श्लोक 4-5 में बताया है कि प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया है, दो प्रकार की प्रकृति के बारे में बताया है, परा और अपरा। श्लोक इसी सातवें अध्याय के श्लोक 13 में 6 और क्षेत्रज्ञ के नाम से यही दो प्रकार के क्षर और अक्षर नाम के पुरुषों का वर्णन आया है। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये बड़ी गूढ़ विद्या है। ये विद्या कोई ऐसी नहीं जिसे आप पुस्तक से पढ़ सको और किसी को सुन के समझ सको। ये तो खुद अपने अंदर आपको उतरना ही पड़ेगा। जब आप साक्षी के ध्यान में उतरते हो, तब आप धीरे धीरे इस शरीर से अलग हटके शरीर को जब देखना शुरू कर देते हो, तब आपके इस आध्यात्मिक मार्ग में, आपकी इस यात्रा में, आपको ये नाशवान शरीर आपसे अलग दिखाई पड़ता है। जब आप जान जाते हैं कि हाड़ मांस मेद मज्जा रक्त मल मूत्र इनका यो थैला है, ये थैला आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप यदि ये थैला होते तो ये थैला जब गिर जाता है, ये भूत पौंगड़ा जब गिर जाता है, ये शरीर जब मर जाता है, तब भी तो आप मौजूद रहते हो। तो जन्म कौन लेता है और कौन इस थैले में आया है और कहां से आया है? कोई भी विचारवान पुरुष, कोई भी परमात्मा की तरफ जाने के लिए उत्सुक पुरुष, कोई भी जिज्ञासु तो छोड़ दीजिए, कोई भी बकरी चराने वाला आदमी भी अगर मिले तो वो भी यही कहेगा कि भैया ये शरीर तो नाशवान है। तो इतनी समझ तो कम से कम जिज्ञासु में होना ही चाहिए कि एक तो ये नाशवान शरीर है,
आयुष्मान शरीर जिसको आप ध्यान के द्वारा ठीक से देख सकते हैं, जिसको आप ध्यान के द्वारा अपने से पृथक देख सकते हैं, अपने से अलग देख सकते हैं, इसको अपरा भी कहा है, जो परा नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष है। इसको क्षेत्र भी कहा है, जो एक खेत है, फील्ड है, जो एक रहने का मकान है। इस प्रकार मैं थोड़ा मौन हो गया हूं, बाहर शोर बहुत हो रहा है। मित्रों, थोड़ा दरवाजा बंद करिए। अरे प्रवचन चल रहा है, जरा कुत्ते ऊपर, प्रवचन कर रहा हूं। आश्रम बहुत छोटा है, बाहर का शोर रास्ते में, सामान बेचने वाले लोग, लोगों का आना जाना, हाँ तो भगवान कह रहे कि ये जो दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो है नाशी, जिसका कि नाश होगा, और वो है शरीर। इसको पुरुष इसलिए माना है कि जहां पर कोई रहता है उसको पुर कहते हैं। पुर, पुर यानी नगर, पुर यानी मकान, और हमारे गांव की भाषा में पुरवा, पुरवा यानी मोहल्ला। तो दुविधो पुरुषो लोके, दो विधो यानी दो प्रकार के पुरुषो यानी पुरुष, लोके यानी इस शरीर में। लोक मतलब ये पृथ्वी नहीं है, लोक मतलब ये शरीर के लिए कहा है। क्षर चाक्षर एवच, एक तो क्षर है जिसका कि नाश होता है, और एक अक्षर है। क्षर तो मैंने आपको बता दिया, यानी क्षर यानी क्षेत्र, और अक्षर यानी क्षेत्रज्ञ। और क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्चते, जो जितने भी भूत प्राणी हैं उनके जो शरीर हैं वो तो नाशवान है, और जो जीवात्मा है वह अविनाशी है। तो सद्गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को अनेक प्रकार से देशना देते हैं, समझाते हैं, मुहुर मुहुर यानी पुनः पुनः समझाते हैं, और अंदर के अमृत तत्व में डुबकी लगाने के लिए उसको पीछे की तरफ, केंद्र की तरफ, आत्मा की तरफ, जागरण की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ धक्का देते हैं, ढकेलते हैं, जाने कब ब्रह्म मुहूर्त आ जाए। एक झूठी माया नगरी है शरीर, और दूसरा सत्य लोक है, जो सर्वव्याप्त परमात्मा का लोक है, जो लोक लोकांतर तक विस्तृत है, और एक सा सब में भरा है, सब में होकर सबको जानता है। एक क्षुद्र पुरुष है, दूसरा विराट पुरुष है। एक देह है, दूसरा देह में रहने वाला अनश्वर है। एक नश्वर है और एक दूसरा जीवात्मा है जो अनश्वर है, क्योंकि जीवात्मा को अज्ञान की भ्रांति हो गई।
इसलिए यह जीवात्मा केवल भासता है, प्रतीत होता है। यह जीवात्मा जो है जब इसे ज्ञान हो जाता है तो यही परमात्मा है। इस जीवात्मा को सभी भूतों में, सभी देहों में अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, इसलिए इसको भूतात्मा कहा गया है। अपन इसको जीवात्मा कहते हैं। और जो परमात्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो कूटस्थ है, वो सभी जगह एक सा स्थित है, उस आत्मा का कहीं आना जाना नहीं है। मैं आपको फिर समझा दूं, मैंने एक बार फिर कहा था, आप यहां से दिल्ली जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप अपने साथ ऑक्सीजन नहीं ले जाते। आपके हर जगह आपको सांस लेने के लिए हवा मौजूद है। रेल का इलेक्ट्रिक इंजन चलता है, उसका जो हुड रहता है वो तार को टच रहता है, इस तरह से वो तार से रगड़ता हुआ जाता है। उसको कहीं इलेक्ट्रिक करंट साथ में ले जाने की जरूरत नहीं, वहां से सप्लाई मिलती जाती है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा सब जगह एक सा भरा हुआ है। आपका शरीर चलता जाता है, आत्मा तो सब जगह है ही है। ऐसा नहीं कि आपका आत्मा अलग डिब्बे में है और साहब वो डिब्बा यानी अंदर जो आत्मा बैठा है उसको लेके आप जा रहे हैं। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। ये भ्रांति तोड़ लेना, ये परम ज्ञान है, ये चरम ज्ञान है, ये ऐसी मीमांसा है जो कोई समझाता ही नहीं है। ये ऐसा संदेश है, अगर एक बार आप इस पे दृढ़ हो गए, आप जान जाएंगे शरीर आता जाता है, मैं कहीं आता जाता नहीं, मैं तो सब जगह भरा हूं। आप इसमें ठहर गए, आपको आत्मज्ञान हो गया, आप शरीर के रहने पर और ना रहने पर दोनों समय एक से रहेंगे। तब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आपके सामने ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि रेत का रहस्य खुलने पर पानी की भ्रांति गायब हो जाती है, ठूंठ का रहस्य खुलने पर प्रेत की भ्रांति गायब हो जाती है, रस्सी को जान लेने पर रस्सी में जो सर्प का भय था वो गायब रह जाता है, मृतिका को जान लेने पर घटा घट और चुकल्या और दीपक और धूपणिया ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो क्ले के बनाए हुए पदार्थ है, ये पदार्थों के आकार गायब हो जाते हैं और उसकी जो आधार अधिष्ठान जो मिट्टी है उसका बोध हो जाता है। ऐसे तुम कहीं आते जाते नहीं हो, तुम कभी मरते नहीं हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अजन्मा हो, अक्षर हो। ये बात जीवात्मा के लिए भी है, लेकिन जीवात्मा चूंकि अज्ञान में है, सो रहा है माया की नींद में। कभी दुर्गा सप्तशती पड़ी होगी तो दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में ही निद्रा से उठाने का स्रोत है। और रामचरितमानस पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि रामचरितमानस में लिखा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। गीता तो पढ़ी है, मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसमें लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्यार्थ जागृति संयमी। तो ये जो जीव है ये अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, और ये अज्ञान की नींद से अगर कोई जाग जाए, अगर कोई अपने स्वरूप को जान जाए, तो फिर क्या होगा, आप उस आत्म स्थिति में ठहर जाएंगे जिसको किसी ने ब्रह्म कहा है, किसी ने बुद्धत्व कहा है, किसी ने ज्ञान कहा है, किसी ने निर्वाण कहा है, किसी ने उसको गुरु तत्व कहा है, किसी ने उसको परमात्मा कहा है, किसी ने उसको गॉड कहा है, और किसी ने उसको कहा है कि वह जानने के बाद जगत में कुछ काम बचता नहीं, रहता नहीं, बस वो व्यक्ति जगत का तमाशा देखता है केवल। मैं एक गुरुओं का आभारी हूं जो गुरु हुए अपने सिख धर्म में, अपना धर्म नहीं कहेंगे उनको, अपना पंथ है, सिख पंथ में जो गुरु हुए, उन गुरुओं ने अपने जो दसों गुरु थे, उन दसों गुरुओं ने अपनी वाणियों में
हमेशा ब्रह्म ज्ञान के विषय में प्रतिपादन किया और धर्म की रक्षा के लिए योद्धा संत के रूप में वो सब लोग रहे और शिष्य रहे। आज उनकी एक वाणी मुझे याद आती है, भगवान गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। इस साक्षी की ओर संकेत है, इस जगत को देखो तमाशे की तरह देखो, इससे जुड़ो मत। अगर तुम पिक्चर में बैठे हो, टॉकिंग में बैठे हो, कोई फिल्म देख रहे हो और उसमें कोई प्रेम गीत आया, तुम जोर जोर से गाने लग गए तो आस पड़ोस के लोग तुमको उठा के बाहर फेंकवा देंगे। यदि मान लीजिए कोई उसमें विलेन और हीरो की लड़ाई मुक्के मुक्के चल रहे, तुमने भी आस पड़ोस वालों को मार दिए तो तुमको उठा के बाहर फेंकवा दिया जाएगा। इस जगत में ऐसा ही है, जो दृष्टा है, साक्षी है, शांत चुपचाप इसका खेल देख रहा है, बस वही परमात्मा तक जा सकता है, वही इस संपूर्ण खेल को देख सकता है। वरना कुत्ता, बिल्ली, गधा इत्यादि योनियों में परमात्मा उपद्रव मचाने वाले को, कर्ता भाव में रहने वाले को फेंक देते हैं। इसलिए ये जो दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान है और अविनाशी है, इसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं भगवान। क्योंकि यदि नाशवान को तुम समझ लोगे तभी तो तुम नाशवान से हट सकोगे, और तुम अविनाशी को समझ लोगे, अगर तुम जीव को समझ लोगे तो कम से कम तुम्हारी भान अवस्था तक तो यात्रा हो जाएगी। और ये जो क्षर है यानी नष्ट होने वाला है, असल में क्या है, इस तरह से कहा जाता है कि क्षर है, असल में क्या है, इसका जो शरीर जिन तत्वों से बना होता है वो तत्व उनके तत्वों से मिल जाते हैं। हम आपको एक बात बहुत अच्छी से आज बताएंगे। सनातन धर्म में मृत काया को, मरे हुए शरीर को क्यों जलाया जाता है, उसके कुछ बहुत वैज्ञानिक कारण है। पहली बात तो यह है, अगर मरे हुए शरीर को जला दिया जाता है तो पांचों तत्व अपने तत्वों में मिल जाते हैं, और देह के जल जाने के बाद जीवात्मा का उस देह से एक झूठी जो आसक्ति होती है वो टूट जाती है। अपन देखते हैं कि जो जीवात्मा इस शरीर से निकलता है, जब तक शरीर नहीं जलता उसके आसपास वो मंडराता रहता है, वो चाहता है फिर घुस जाऊं इसके अंदर, क्योंकि शरीर की बड़ी गहरी आसक्ति है। लोग अपने जीवन भर की कमाई डॉक्टरों को दे देते हैं बाईपास कराने के लिए, ब्रेन का ऑपरेशन, ट्यूमर का ऑपरेशन, दुनिया भर के इलाज कराने के लिए। वो कहते हैं पैसा तो ठीक है जाने दो, लेकिन और जिंदा तो रह जाए। इसी तरह से ये जीवात्मा हर प्रकार का दाव लगाता है शरीर में घुसने के लिए, लेकिन अब शरीर तो उसके लायक रहा नहीं, होता तो मरता ही क्यों, होता तो शरीर छूटता ही क्यों, इसलिए उसको जलाते हैं ताकि उसको पता लग जाए कि भाई अब ये जल गया, अगले जन्म में जाओ। दूसरी बात है कि इसको हम जला देते हैं शरीर को, तो अग्नि तो जलती है सब जगह जलती है अग्नि, तो अग्नि के जलने से इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। अग्नि के जल में जलने से शरीर का वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, जितने शरीर के अंदर जो एलिमेंट थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी है, सारे अपने उसमें मिल जाते हैं, स्रोत मूल स्रोत में जाके मिल जाते हैं। लेकिन यदि इस शरीर को गाड़ दिया जाए तो जीवात्मा फिर जन्म नहीं लेता। जो लोग शरीर गाड़ते हैं वो कहते हैं कि नहीं पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी बात भी सही है। क्यों सही है, कि उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होता है। उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्रेतात्मा जिसको कहते हैं, वो प्रेत आत्मा उनका मंडराता रहता है, लेकिन वो एक चिंता मत करना, वो कुछ नहीं कर सकता। जब जिंदे में तो कुछ कर नहीं सका, मरे में क्या करेगा, है ना। तो वो वहां मंडराता रहता है, और जब तक उस शरीर की एक एक हड्डी गल के चूरा नहीं हो जाती, मिट्टी नहीं हो जाती, तब तक वो वहां से जाता नहीं। और हो सकता है तब तक उसको वहीं रहने की आदत भी पड़ जाती है, तो फिर वो इंतजार करता है किसी क्षण का, लेकिन वो क्षण
कब आएगा ये वो जाने, उनका धर्म जाने और उनके लोग जाने। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में जो सबको जलाने की जो पद्धति है वो सर्वथा वैज्ञानिक पद्धति है, आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, सांसारिक रूप से भी, और जीवात्मा के मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के रूप से भी वो सर्वथा वैज्ञानिक है। तो भगवान ने अभी आपको ये दो शरीरों के बारे में बताया। अब अगले श्लोक में भगवान और कोई विलक्षण बात बताने वाले हैं। इसके पहले अपन इस श्लोक को यहां पर पूरा करते हैं। क्यों? इसमें इस श्लोक में भगवान ने आपको ये स्पष्ट कर दिया कि आपका शरीर आप नहीं हो, आपका मन बुद्धि चित्त ये आपकी आत्मा के साथ ऐसे चेतना के साथ गड्ढमड्ढ हो जाने के कारण आप जीवात्मा हो गए हो, और यह जो जीवात्मा है और यह जो आपका शरीर है, ये जो लोके है, ये जीवात्मा क्षर नहीं बाकी ये शरीर क्षर है, ये शरीर विनाशी है। और चूंकि कूट कूट करे के कण में आपका जीवात्मा इसलिए भरा है कि वो आत्मा का रूप है, आत्मा का ही रूप है, भ्रांतिवश जीवात्मा हो गया है। ये दोनों बात आप अच्छी तरह से समझ लो, और दोनों चीजों से हटने के लिए कमर का श्लोक इसी श्लोक का यही संदेश है। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आते हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और नहीं पसंद आते तो आपकी मर्जी। और एक बात और कहते हैं, हम तो हमारा काम करते हुए चले जाएंगे, जिसको जरूरत होगी वो इस ज्ञान को आगे भी और अभी भी ले लेगा। और YouTube पे डालने का मकसद ही ये है, कारण ही ये है कि हमारा शरीर ना भी रहे तो कम से कम लोगों के आध्यात्मिक फंडामेंटल इनको सुन के क्लियर हो जाए, और जो लोग धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं उनके चक्कर में अच्छे जिज्ञासु ना फंसे, अपना जीवन बर्बाद ना करें, ये हमारा उद्देश्य है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ध्यान हम सिखा रहे हैं साक्षी का, भगवान की कृपा से, इस साक्षी के ध्यान को करने से 2-3 महीने में ही व्यक्ति तनाव रहित, भय रहित हो जाता है, उसके जीवन में अशांति समाप्त होकर शांति आ जाती है। और उससे क्या होता है कि तनाव से होने वाली जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर, एंजाइना, डायबिटीज है ना, सिजोफ्रेनिया या फोबिया या सुसाइड करने की इच्छा या गहरा डिप्रेशन, और समय पर खान पान न खाने की वजह से शरीर में होने वाली अन्य विकृतियां, लीवर का फेल होना, गुर्दे खराब हो जाना, ये सारी बीमारियों से ये ध्यान आपको बचा लेता है। इसलिए हम इस ध्यान का पूरे जगत में प्रचार करते हैं, और इसके लिए हमने एक संस्था बनाई है, सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट। और हमारा मिशन है वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा विश्व शांति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं अकेला तो ये काम कर ही नहीं सकता हूं। आप सब अगर इसमें जो समझू समझू लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो उसमें जुड़े, और ये जो भारत का बहुत गौरवान्वित कार्य है, इसी से भारत विश्व गुरु भी बन सकता है, इसी से पूरे विश्व को हम एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दे सकते हैं, और पूरे संसार को हम वो दे सकते हैं जो आज तक दूसरा कोई दे नहीं सका, न दे नहीं पाएगा और कभी नहीं दे पाएगा। हम वो संसार को प्रेम, शांति और आनंद देना चाहते हैं। इस देश की तरफ से, इस सनातन धर्म की तरफ से हम पूरे जगत को एक शांति, प्रेम, आनंद और व्यर्थ की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, और करोड़ों अरबों खरबों रुपए उनका बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, और अस्पतालों में बेचारे डॉक्टरों का समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो
और दूसरी बीमारियों पर वो ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अगर आप लोग इतना सहयोग कर सके और इस ट्रस्ट से जुड़े और मुझे किसी प्रकार के किसी के धन संपत्ति और उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है, न मुझे अंदर से कुछ लेने की इच्छा है। मैंने तो ये ट्रस्ट भी इसलिए बनाया ताकि लोग ट्रस्ट में दें और ट्रस्ट के द्वारा लोक कल्याण का कार्य हो। मैं अपने शरीर के लिए भोजन स्वयं कमा लेता हूं और अच्छे से व्यवस्थित में जी रहा हूं। आप लोग तो ज्ञान प्राप्त करें और मैं आपकी सेवा के लिए यहां पर उपस्थित हूं। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका अनुचर हूं, मैं ज्ञान के मार्ग में ले जाने वाला आपका सहायक हूं। कृपया मेरी सेवा को स्वीकार करें और इस ध्यान में आप लोग रुचि लेकर ध्यान करके अपने जीवन को आनंदित करें। ये मेरे पे आपकी विशेष कृपा होगी, अनुकंपा होगी। शिव हो, शिव हो।